आज हम आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी पे, एंड वो है कुनकुन मैक्सिको की जर्नी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ मॉन्ट्रियल से अपनी ट्रिप, और आप देख रहे हैं जैसे कि लेफ्ट साइड की वीडियो में भाई टोटली स्नो से कवर्ड है। टेम्परेचर यहाँ का अराउंड -25 के आसपास था, और दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं वीडियो राइट साइड में वो है जब हम कुनकुन में लैंड कर रहे थे, एकदम ग्रीनरीज और हरा भरा, और ये सारे जो होटल जोन का एरिया है जहाँ पे बहुत सारे आपको रिजॉर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है और बहुत ही प्यारी आर्किटेक्चर है जो जितने भी रिसॉर्ट और वो सारी चीज़ों का है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था और बहुत ही प्यारी जर्नी थी। और ये होटल जो है वो हमारा होटल है जहाँ पे हम रुके थे, और हमने ये वैकेशन पैकेज जो है बुक किया था सनबिंग से। तो मैं ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है बुकिंग वगैरह की मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा कि आप कैसे बुक कर सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। और ये होटल बहुत ही प्यारा होटल था, आप देख रहे हैं ये लॉबी थी, और ये हमारी होटल का रूम है जो कि आप बहुत ही खूबसूरत सा है। और रूम के अंदर आपको वाइन वगैरह सब कुछ रखी हुई थी, टकीला और बोर्ड का और जिन का बॉटल था। अलग बात है कि हमने यूज नहीं किया, बट ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रूम के अंदर मिल रही थी। और ये खूबसूरत सा बीच जो आप देख रहे हैं बाहर, जस्ट होटल के पीछे ये हमारा बीच था, प्राइवेट बीच होटल के लोगों के लिए एक्सेसिबल था, और बहुत ही वाइट सैंड बीच के ऊपर था और वाटर एकदम ब्लू सा पानी, और बहुत ही कुल मिला के अगर कहा जाए तो दिसंबर का समय जो है ना बहुत ही परफेक्ट टाइम है विजिट करने का। अगर आप कुनकुन जा रहे हैं वैकेशन में तो बहुत ही अच्छी जगह है, आप वहाँ जा सकते हैं। और ये जो जगह थी वो हमारी होटल से कुछ लगभग 10 किलोमीटर की दूर पे है, होटल जोन में ही। यहाँ पे कुनकुन का साइन लगा हुआ है और बीच बहुत ही प्यारी सी है, पब्लिक बीच है, तो ये जगह भी आप जा सकते हैं। और ये है पैरेट्स ऑफ कैरेबियन वाली शिप जो आप बोर्ड कर सकते हैं। ये कुछ नज़ारा हमारे होटल के टॉप से जो मैंने अपने 7th फ्लोर और 11th फ्लोर से मैंने लिया था, चारों तरफ का बहुत ही प्यारा सा व्यू है। एक तरफ ओशन है, दूसरी तरफ एक जो है रिवर नहीं बोलेंगे बट ओशन का एक कटा हुआ पार्ट दिखता है। और यहाँ से अब हम चलते हैं एक ट्रिप पे जो कि पुंता काना करके एक जगह है जो कि आइलैंड है। तो वहाँ जाने के लिए एक फेरी है, गवर्नमेंट वाली फेरी है, जिसका कॉस्ट अराउंड 11 और 12 डॉलर के आसपास पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुंता शोर करके जगह है, और वहाँ पे ये बीच और वाटर्स, मतलब बहुत ही प्यारा सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे स्कल्पचर है वहाँ पे, कुछ एंशियंट स्ट्रक्चर्स वगैरह भी हैं जो इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं। तो अच्छी जगह है, मतलब एक दिन का आप ट्रिप वहाँ जाके आप कर सकते हैं और आप बहुत एंजॉय कीजिएगा। मतलब अगर आप थोड़ा सा वॉक वॉक करना पसंद करते हैं तो उस तरह के लिए बहुत ही अच्छी सी जगह है वहाँ पे। और स्पेशली जो इवनिंग का सनसेट था ना भाई, बहुत ही प्यारा सनसेट था, तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पुंता शुर जाके, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो जब भी आप कुनकुन आए तो पुंता शुर जरूर जाएं। और ये जो था हमारे होटल में रोज़ नाइट के समय में कुछ वो कल्चरल इवेंट करते थे इस तरह का एंटरटेनमेंट के लिए, तो बहुत इंगेजिंग था होटल का एटमॉस्फेयर। हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती थी, कभी कल्चरल इस तरह का इवेंट हो, कभी योगा क्लासेस है, कभी स्पोर्ट्स के लिए बीच पे वॉलीबॉल है, इस तरह की चीज़ें हमेशा होती रहती थी। तो आप बहुत इंगेजिंग टाइप का एटमॉस्फेयर वहाँ पर होता था।
और फिर हमने एक इवनिंग डाउनटाउन कनकुन जाके देखा कि कैसा होता है वहाँ पर, मतलब सिटी लाइफ कैसी है। बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन था क्योंकि क्रिसमस का टाइम था, बहुत बढ़िया और एकदम स्ट्रीट फूड वगैरह, ऐसे लग रहा था कि मैं बस इंडिया में घूम रहा हूँ। और उसके बाद ये टुलुम, वहाँ से अगर आप कुनकुन गए हैं तो पक्का टुलुम जाएं, बहुत खूबसूरत सी और बहुत ही प्यारी सी जगह है टुलुम। तो बीच स्पेशली बहुत ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, और स्पेशली जब आप कुनमुकुन में हैं या मेक्सिको में हैं तो सिनोते बोलते हैं, जो कि नॉर्मली अंडर वाटर फ्लोइंग लाइक फ्रेश वाटर रिजर्वायर होता है, और बहुत ही क्लीन वाटर आपको देखने को मिलेगा जैसा आप देख रहे हैं इसमें, और एकदम ब्लूइश। तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत सिनोते हैं वहाँ पे, तो आप उसका मज़ा ले सकते हैं जाके जब भी आप कुनकुन में हो या मेक्सिको में हो। तो और ये टुलुम का ही ये है, और टुलुम में एक बहुत ही एंशियंट ट्यून्स भी हैं, तो वो भी आप देखने जा सकते हैं। लोग रुके थे प्लाया दे कार्मेन, तो बहुत ही हैपनिंग सी सिटी थी भाई, इतनी खूबसूरत सा नज़ारा था, मतलब नाइट ऐसा लग रहा था कि एकदम मैं यूरोपियन कंट्री में कहीं पे हूँ, और एकदम जो वाइब्स है स्केट की और डेकोरेशन सब इतना खूबसूरत था, मतलब आप मत पूछिए। और लोग भी इतने, मतलब कहाँ मैं क्यूबिक में माइनस स्टडी से आ रहा हूँ और यहाँ पे लोग शॉर्ट्स पहने हुए एकदम घूम रहे हैं भाई, अलग ही वाइब्स थी पूरे स्टेट की, मज़ा ही आ गया पूरे। मतलब बहुत थोड़ी दूर देर ही हम लोग रुके वहाँ पे, लगभग एक डेढ़ घंटे, एक घंटे भी नहीं, लेकिन बहुत ही हैपनिंग जगह थी। उसके बाद ये एक रिजॉर्ट है जो एडल्ट ओनली रिजॉर्ट है, इसका नाम है टेम्पटेशन। तो बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, यहाँ से एक क्रूज चलती है एडल्ट ओनली क्रूज, जिसका नाम है बुब्स क्रूज। तो आपको यहीं से बोर्ड करना पड़ता है, बट ये रिजॉर्ट अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ जा रहे हैं तो इस रिजॉर्ट में आप रुक सकते हैं। खैर मैं तो नहीं जा पाया, बट इट वॉज़ रियली नाइस। और ये जो था हमारा मेरे रिजॉर्ट के अंदर का, जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंगेजिंग सा हमेशा एटमॉस्फेयर होता था, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता था, तो ऐसे ही पूल में हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो बड़ा ही अच्छा, मतलब इंगेजिंग टाइप का एटमॉस्फेयर था, और कैसे मतलब आपका टाइम बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा। होटल के आसपास का और होटल के अंदर का दृश्य भाई बहुत ही अमेजिंग सा, मतलब मज़ा ही आ गया था भाई पूरी ट्रिप के अंदर। लोकेशन वाइज परफेक्ट, होटल वाइज परफेक्ट, फूड बहुत ही बढ़िया था होटल का। होटल एक्चुअली इटसेल्फ फाइव स्टार डाइनिंग थी होटल की, तो इट वाज नो डाउट, बट बहुत बढ़िया फूड था। उसके 5-6 अपने होटल के अंदर रेस्टोरेंट थे। और ये जो जगह थी ये तो कोइंसिडेंस था, और क्या बहुत ही एडवेंचरस काइंड का ट्रिप बोले, क्योंकि हमारी फ्लाइट जो है स्टॉर्म के कारण से पोस्टपोन हो गई, और उसके बाद उन्होंने सनमी वागलों ने हमें एक दूसरा रिजॉर्ट दिया था, तो इट्स काइंड ऑफ ए रिजॉर्ट हॉपिंग, तो हम दूसरे एक रिजॉर्ट में गए थे। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स दे दूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट था। तो ऑल लाइक अराउंड 2 नाइट एक्स्ट्रा हम वहाँ पे रुके, क्योंकि फ़्लाइट पोस्टपोन हुई और सनविंग ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें रिजॉर्ट का सारे वो एक्सेस दिया था इस रिजॉर्ट का। तो बहुत ही खूबसूरत सा जगह था, और रिजॉर्ट बहुत ही अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा टेंस थे हम, बट लोकेशन वाइज बहुत परफेक्ट था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, बीच बहुत ही खूबसूरत था, पुल बहुत ही बड़ा पुल था और बहुत ही खूबसूरत था। और सबसे अच्छी बात है वहाँ पे ना एक पीकॉक हमें देखने को मिला मोर जो है ना इसके अंदर कैंपस के अंदर, और बहुत ही मतलब एकदम क्या कहूँ, एकदम समर, परफेक्ट समर जिसको बोलते हैं ना, या मॉनसून, एक्चुअली मॉनसून बेटर मैं बोलूँगा, परफेक्ट मॉनसून टाइप का फीलिंग आता है। ये प्यारा सा पीकॉक आप देख रहे हैं, ये कैंपस के अंदर में था।
तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक करें और कमेंट करें कि हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं इसको। ये कुछ हमारी झलकियाँ जो हैं वहाँ की मेरे दोस्त के साथ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब।